हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल आपको ग्रेट करियर कैंपस स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए इंग्लिश में नाउन का पार्ट थर्ड यानी कि कॉमन नाउन लेकर के आया हूं। पार्ट वन था इंट्रोडक्शन, पूरे उसके बारे में बताया था क्या क्या आपको पढ़ाना है, कैसे पढ़ाऊंगा, वो हर चीज मैंने डिटेल आपको बता दिया था। और आपका पार्ट टू था वह प्रॉपर नाउन था, अभी है आपका पार्ट थर्ड कॉमन नाउन। जो ये बताऊंगा वो आपके जितने भी क्लासेस होंगे वो बेसिक टू एडवांस लेवल के होंगे, यानी कि अगर आप इस आप कुछ भी नहीं जानते हो तो भी आप बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से अपने इंग्लिश को लेवल बढ़ा सकते हो और ग्रामर सेक्शन काफी मजबूत कर सकते हो। और जो ये वीडियो स्पेशली प्रिपेयर किया गया है वह आपका SSC के लिए किया गया है। SSC का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो, ग्रेजुएशन लेवल में आपका CGL होता है, CPSI होता है, उसी तरह से आपका 10+2 लेवल में CHSL होता है, 10th लेवल का MTS होता है, इस तरह से CDS, स्टेनोग्राफर, IB, नेवी, एयर को, NDS, सेंट या फिर सेंट्रल और स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, उन सभी के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो आप मेरे साथ बने रहें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपने इंफॉर्मेशन को आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो अब बिना देर करवाए अब आपको आगे बढ़ाता हूं। हाँ, अब देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे आगे आपका यहाँ पे कॉमन नाउन। आज इसके बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे और आपके एग्जाम में कैसे सवाल बनेंगे वो भी आज ही बताऊंगा। कॉमन नाउन कहते किसे हैं? वर्ड फॉर पीपल, प्लेस, थिंग ऑफ सेम क्लास और सेम कैटेगरी। यानी कि आप तो नाउन का डेफिनेशन भी पढ़ा था कि प्लेस को, पर्सन को, थिंग को कहते हैं, लेकिन एक वर्ड यहाँ पे एक्स्ट्रा एड हो गया है बच्चों। जो क्या एड हुआ है? सेम क्लास और सेम कैटेगरी। सेम क्लास और सेम कैटेगरी, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। सेम क्लास और सेम कैटेगरी के मतलब क्या हुआ कि एक मानकर चलो कि आपके पास बहुत सारा चीज है, जैसे पेन है, चेयर है, लैंप है और शार्पनर है, कॉपी है, एक्स्ट्रा इरेजर है, ये सब बहुत सारी चीजें। तो आपको मैं बोलूं कि सबको अरेंज कर दो, तो अरेंज किसके अनुसार करोगे? सब एक पेन है तो पेन की कैटेगरी में रखोगे, बुक है तो बुक की कैटेगरी में रखोगे, अगर कॉपी है तो कॉपी की कैटेगरी में रखोगे, इरेजर है इरेजर के रखोगे। तो इस तरह से सभी चीजें अलग अलग आप अरेंज करके रखोगे, इसके मतलब है सेम क्लास सेम कैटेगरी, यानी एक कैटेगरी को एक में रखोगे तो जो कैटेगरी को एक्सप्लेन करेगा उसी को क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन बोलेंगे, ठीक है। अब कॉमन नाउन को आपको सिंपली मैं समझाता हूं कि वर्ड फॉर थिंग्स में सबसे पहला, अब एग्जांपल की बात करता हूं तो सबसे पहला एग्जांपल मेरा है वर्ड्स फॉर थिंग्स आर कॉमन नाउन। जैसे एग्जांपल उनका पेंस है, डिक्शनरी है, बुक है, रूलर है, पेंसिल है, सोफा है, कारपेट है, ड्रिल है। अब एक बात समझ नहीं पा रहे होंगे शायद आप कि इन सबको कॉमन नाउन अलग कैसे है। तो बच्चों जब ये डिक्शनरी की बात कर रहा हूं या बुक की बात कर रहा हूं, आप बुक को आसानी से समझ सकते हो। अगर मैं बुक है तो बुक को मैं क्या बोल दें यहां पे कि ये क्या है मेरा कॉमन नाउन है। क्या है बुक? बुक तो कॉमन नाउन, लेकिन दूसरे भी नाउन हो सकता है क्या? आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, हाँ हो सकता है। कब? जब हम नाउन को, अगर इस बुक को अगर मैं दूसरे तरीके से क्या बोल सकता हूँ कि फिजिक्स का बुक है, केमिस्ट्री का बुक है, इकोनॉमिक्स का बुक है, या फिर मेरा बुक है, या फिर इन सब अगर मैं उसके सब्जेक्ट का नाम ले लूं, ब्रांड का नाम ले लूं, कंपनी का नाम अटैच कर दूं उस बुक के साथ, तो वो समझ जाओगे कि वो कॉमन नाउन नहीं है। क्या होगा? कॉमन नाउन नहीं होगा। जैसे मैं बोल दूं कि केमिस्ट्री बुक, इकोनॉमिक्स बुक, इंग्लिश बुक, इसके मतलब आप उसका कर रहे हो, इसके साथ अगर मान लीजिए कंपनी का नाम अटैच कर दे रहे हो कि NCERT बुक, लक्ष्मी पब्लिकेशन बुक, आलोक पब्लिकेशन बुक, तो जब कंपनी का नाम या कोई उसका नाम अलग अलग आप दे देते हो तो वह जो है वो आपका कॉमन नाउन नहीं होंगे बच्चों, वो क्या हो जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन के लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि पेन है तो पेन तो आपका जनरली क्या होता है यहाँ इसके अनुसार, अभी तो आपका सिर्फ पेन है तो आपका कॉमन नाउन है, लेकिन इस पेन का अगर मैं ब्रांड का या कंपनी का नाम अटैच कर देता हूं, मैं आपको बोलूं कि सेलो पेन, क्या बोलूं? सेलो पेन,
रैटोमीटर पेन, ब्लू पेन, रेड पेन या कुछ भी हम प्रयोग कर देते हैं, तो इसके मतलब ये समझ जाना कि आप ये कॉमन नाउन ना होकर के ये क्या हो जाता है, आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है। ठीक है, यानी कि कंपनी का नाम या फिर को उसकी अलग अलग जो बने हैं अलग अलग कंपनी है उसके अनुसार आप ब्रांड का नाम अटैच कर देते हो, तो सीधा समझ जाना कि कॉमन नाउन ना होकर के वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपने यहां तक बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, अब बच्चों आगे है आपका दीज कॉमन नाउन आर वर्ड फॉर एनिमल्स नोटेड एट स्पेशल नेम एनिमल्स आर इंक्लूडेड, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं बच्चे वो भी आपके क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं, यानी कि एनिमल्स या फिर देर अंग उनके जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी आपके कॉमन नाउन के लिस्ट में आते हैं। बोलो कि सर ये कॉमन नाउन कैसे होते हैं, क्या प्रॉपर नाउन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं बच्चे, जैसे कि कैट है तो कैट के बहुत सारी प्रजातियां स्पेसिस होती है ना, उस प्रजाति में से अगर प्रजातियों में से एक को निकाल लेते हैं और उसके हम नाम पहले अटैच करते हैं कि ये प्रजाति की है बिल्ली, तो वह आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूं कि बहुत सारी प्रजातियां की बिल्ली, लेकिन मैं सबको जनरली क्या बोलता हूं कि बिल्ली है, कैट है, तो वह आपका कॉमन नाउन होगा। इसी तरह से का है, हवेल है, एलिफेंट है, कैमल है, जिराफ है, और कोई भी जानवर का ले लो, तो वो आपके अगर उसकी प्रजाति की बात करते हो तो वह आपका प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन सिर्फ आप कोई भी प्रजाति, कोई भी ब्रांड, कोई भी कंपनी का नाम कुछ भी अटैच किसी भी यानी कोई भी कॉमन नाउन में ये सब अटैच नहीं करते हो, तो वह आपका सिंपली क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा, और मैं इतना ज्यादा इसलिए लिख दिया हूं ताकि आप अपना ये वोकैब भी और जो अभी तक आपने नहीं भी पढ़ा है, जो नहीं भी जानते, जैसे कैट का कीटन होता है, ऑक्टोपस का कार्प होता है, काऊ का भी कार्प होता है, व्हेल का भी कार्प होता है, तो ये कार्प से जितने भी हैं वो सब एरिया में लिस्ट दे दिया आपको। उसी तरह से फिर आपका कब से जितने लिस्ट है वो मैंने यहाँ दे दिया है। उसी तरह से लैम्प है, जुआ है, टेडीपोल इन्फेंट है, तो मंकी के गोरेगर इन्फेंट, तो ये सब जितने भी हैं वो मैं आपको यहाँ पर दे दिया हूँ। इस तरह से आप अपने इंग्लिश को भी वोकैब है या वर्ड पावर है उसे आप क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, और जिनकी हिंदी नहीं जानते हो वो उसकी आप डिक्शनरी या तो फिर आप कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ज्यादा मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ज्यादा कुछ एक्सप्लेन अभी यानी हिंदी बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो आप सॉरी आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं यहां से यहां तक, आप फिर नीचे थोड़ा कर देना हूं बच्चों। अब समझा देता हूं, अब है थर्ड मेरा इसका एग्जांपल, द कॉमन नाउन आर वर्ड फॉर प्लेस, यानी कि जितने भी प्लेस होते हैं, अब प्लेस में क्या बोलोगे, अब जो प्लेस में जो आपको एग्जांपल आप समझ पा रहे होंगे यहां पे कैसा एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं, जो कॉमन हो, जहां हर कोई पहुंच सकते हैं, जैसे बैंक है, एयरपोर्ट है, जिम है, स्टेडियम है, या जू है, यूनिवर्सिटी है, रेस्टोरेंट है, मॉस्क है, मॉल है, फैक्ट्री है, नर्सरी, इंडस्ट्री है, थिएटर, टेंपल, पार्क, लाइब्रेरी, पुलिस स्टेशन, ये सब जितने भी हैं वो सभी आपका कॉमन नाउन होगा। लेकिन इसी में से अगर मैं आपको बोलूं कि बैंक की बात किया, सिर्फ नाम होना क्या चाहिए, बैंक, तब आपका कॉमन नाउन होगा। लेकिन इसी में आप बोलोगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, या बैंक का जब नाम लेना शुरू कर दोगे, अनुसे एक तरफ से ब्रांड या कंपनी है ना, अच्छा उसका नाम अटैच कर देते हो तो वह आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन सिर्फ आप बैंक बोलते हो, एयरपोर्ट बोलते हो, जैसे मैं बोलूं कि दिल्ली एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जब ये जब हम नाम या कुछ जगह या फिर उसका कोई ब्रांड का हम एड कर देते हैं तो वह आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है, कुछ भी अटैच नहीं किया उसके साथ, तो वह आपका क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। इसी तरह से जिम का भी, स्कूल का भी, स्कूल में बोलूं कि या डीएवी स्कूल है, नेत्रहाट स्कूल है, सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, तो वह स्कूल के अगर हमें ब्रांड या कंपनी या कहीं यूज करेंगे तो वह आपका कॉमन नाउन ना हो करके वह क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये भी आप यहां तक समझ गए होंगे, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। अभी बच्चों जितना भी बताया
अगर मैं एग्जाम की बात करूं कॉम्पिटेटिव लेवल का, तो वो आपके यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्यों मैं वो भी बता देता हूँ कि जी जो ये सब कॉमन नाउन है, इसके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं या और नहीं करते हैं, वो चीज मुझे आर्टिकल में पढ़ना है। और सीधा अभी थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देता हूँ, बेसिक जानकारी कि इन सब के पहले देखो कि जो बैंक है, बैंक जिस पर्पज से बना है, स्कूल किस पर्पज से बना होता है। तो अब अगर पर्पज चेंज हो जाता है, यानी कि स्कूल है तो स्कूल पढ़ने या पढ़ाने के लिए पर्पज से बना हुआ है, अगर कोई दूसरे काम से जाता है तो उस स्कूल के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो वही चीज आप जब आर्टिकल पढ़ोगे तो वहां पे डिटेल में पढ़ा बताया जाएगा, सिर्फ आपको क्या बताया जाएगा वहां पे कॉमन नाउन। तो जब कॉमन नाउन यहाँ पे डिटेल में पढ़ोगे तो वहां पे आपको ज्यादा अच्छा लगेगा और ज्यादा समझ आएगा। तो ये आपके बस रिमेंबर करना कि आपके एग्जाम यहीं से बनेगा, लेकिन इस चीज का स्टडी हम फिर करेंगे आर्टिकल में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। हाँ, अब देख पा रहे होंगे कॉमन नाउन आर वर्ड्स फॉर पीपल हु डू सर्टेन थिंग, यानी कि जो निश्चित काम करते हैं। निश्चित काम करने के मतलब बच्चों आप समझ सकते हो कि सीधा बोल सकते हो प्रोफेशन, जो प्रोफेशन यानी पैसे। जैसे कि मैं अगर पढ़ाने का काम कर रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, एज ए टीचर। अगर कोई गाना गाते हैं उसे क्या करेंगे, सिंगर। जो यानी नाचने का जो काम करते हैं, नृत्य जो करते हैं उसे क्या कहते हैं, डांसर। जो दंत चिकित्सा का काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, डेंटिस्ट। जो गाड़ी चलाने का काम करता है, वाहन चलाने का काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ड्राइवर। तो इसी तरह से जितने भी आपके सिंगर हैं, प्लम्बर हैं, गार्डनर हैं, फोटोग्राफर हैं, मेडिसिन हैं, फ्रेंड हैं, क्लर्क हैं, डॉक्टर हैं, सेक्रेटरी हैं, सेलर हैं, डांसर हैं, तो ये सभी के सभी आपके जो एग्जांपल आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे, वो किनके एग्जांपल हैं, कॉमन नाउन के हैं। तो और आप इसे लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अपने नोट कर ले तो ज्यादा अच्छा है। और इंग्लिश इसे और आप मजबूत करना चाहती हो तो आप इस पे एक सेंटेंस बना करके खुद से आप ट्राई करेंगे, सिंगर क्या काम करता है, प्लम्बर क्या करता है, इसके हिंदी भी जाने, इसके बारे में थोड़े जाने, तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं पहले भी बताया था कि अगर इसके कोई कंपनी का नाम अटैच करते हो, ब्रांड का नाम यूज कर देते हो, तो वह आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और जब कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। यानी कि जितने भी प्रोफेशन है, आप सीधा समझ रखना कि जितने भी प्रोफेशन है वो सभी के सभी आपके क्या कहलाएंगे, कॉमन नाउन कहलाएंगे। तो आप ये इसके स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा और नीचे है वो भी ये है, तो आप इसे भी ले। जैसे कि मिडवाइफ हो गया, नर्स हो गया, वॉचमैन हो गया, वीवर हो गया, लेक्चरर हो गया, कारपेंटर हो गया, एडिटर हो गया, मैकेनिक हो गया, सीट्समैन हो गया, विंगमैन हो गया, कॉबलर, कोरियोग्राफर, इन सब जितने भी हैं वो आपके क्या हैं, कॉमन नाउन हैं। तो बच्चों आपका कॉमन नाउन इस तरह से समाप्त हो गया। और इस पे एग्जाम आने के सवाल कैसे बनेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा कि उसके क्वेश्चन के पैटर्न कैसे हैं और क्या कैसे पूछे जाएंगे और इस पे सवाल क्या क्या है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक आप इसे पढ़ें, और अगर ये पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो पहले वाले वीडियो को आप जरूर देखें ताकि आपको बिल्कुल समझ आ जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।